मैं बता देता हूँ जी इसका जवाब, मैं सवाल में देता हूँ. कंसेप्शन इज टोटली चेंज. जब मैं आया था उस टाइम पे लोग इसको पढ़ते भी थे मास्टर चीफ, उससे लेके अभी तक यू नो व्हाट वी फील. क्वेश्चन क्या था? Press the bell icon on YouTube and don't miss another update. Why do you think Vikas is not being able to get married? Only because he is so busy shooting MasterChef all the time, and whatever time he gets, he has to finish books and movies. Chote bhai ke saath hum sehmat. Hi, I'm Vikas Khanna. I am Vineet Bhatia. I am Ranveer Brar, and you're watching us on IndianExpress.com. देखिए जी, उनकी ट्रेनिंग भी चल रही होती है साथ साथ में, उनकी मास्टर क्लासेस होती हैं, उनकी हमारी फूड टीम से ट्रेनिंग चलती रहती है. तो आप जब देखते हैं उनको, सो दे गेट ट्रेन नॉन स्टॉप. हम देखते हैं एक जब लेके आते हैं किसी कंटेस्टेंट को, हम सिर्फ उस डिश पे निर्भर नहीं करते जो डिश उनको हम हमारे तक पहुँचाती है. उनका एटीट्यूड, उनका बिहेवियर, उनके विजन, उनकी ड्रीम, एवरीथिंग इज इम्पॉर्टेंट. एवरीथिंग इज अ पार्ट ऑफ द होल थिंग एंड दैट इज व्हाट दे बिकम. खाना जो है ना, उसका टेस्ट स्पेशली बड़ा सब्जेक्टिव है, लेकिन जब आप एक कुकिंग कंपटीशन करते हैं तो पैरामीटर्स ऑटोमेटिकली उसके अंदर आ जाते हैं. पैरामीटर्स जैसे समय, लिमिटेशंस, चैलेंजेस जो उसके अंदर आते हैं, और वो चैलेंजेस ऐड करने का मकसद सिर्फ ये होता है कि वही चैलेंजेस जब आप अपने खाने को बड़ा करने जाएंगे रेस्टोरेंट के ज़रिए, केटरिंग के ज़रिए, किसी भी, वही चैलेंजेस आपको फेस करने पड़ेंगे. तो उन चैलेंजेस को और उन लिमिटेशंस को जज किया जा सकता है, और आपका उन चैलेंजेस के प्रति बिहेवियर जो है उसको समझ के उसके ऊपर फीडबैक दिया जा सकता है. एंड दैट फॉर मी इज एसेंशियली द कोर एलिमेंट ऑफ वेयर मास्टरशेफ रियली स्टैंड्स आउट. वी नॉट हियर जजिंग पीपल्स फूड. इंडियन फूड इज अ विनर, राइट? एंड वी नॉट वी नोबडी टू जज इंडियन फूड, बट वी कैन डेफिनेटली जज इज एप्टीट्यूड. वी कैन जज कलिनरी बिहेवियर एज वी कॉल इट. And that is something that I think MasterChef definitely brings out there. This is a very special feeling here. Pehli baar hi karna MasterChef, aur wo bhi Vikas who's doing it so many years and Ranveer always on television. So it's काफी हटके चीजें हैं, काफी नई चीजें हैं, काफी सीखने को मिलता है. मगर जो मेरा main aim है कि हम दिखा सके हिंदुस्तानी खाना सही तरीके से at international level, वो दिखने में आता है. ये कोशिश जारी की थी मैंने, शुरू की थी मैंने 25 साल पहले, और कुछ सपोर्ट नहीं था. मैंने कहा ऑन दिस प्लेटफॉर्म एट दिस मैग्नीट्यूड एंड यू गो ग्लोबल विच आर द हाईएस्ट व्यूइंग शो इन द वर्ल्ड प्रॉब्ली, यू कांट गेट अ बेटर बिगर प्लेटफॉर्म देन दिस. बट इट्स वेरी डिफरेंट फॉर मी. इट इज वेरी डिफरेंट बिकॉज यू नो यू एंजॉय योर रिलेशनशिप विद फूड. अपना खाने के साथ रिश्ते को बड़ा इन्जॉय करते हैं, चेरिश करते हैं, नरिश करते हैं, समय के साथ बदलता है. लेकिन ये स्पेशल, और ये स्पेशल इसलिए क्योंकि आप ट्रैवल नहीं कर रहे हैं, या आप किसी को खाना बनाना सिखा नहीं रहे हैं. यहाँ एक बड़ी जिम्मेदारी वाली पोजीशन है, और मैं ये कहूँगा कि हिंदुस्तान में खाने के मामले में सबसे ज़्यादा जिम्मेदार पोजीशन है वो तीन लोग जो वहाँ खड़े होते हैं और ये डिसाइड करते हैं कि भाई हिंदुस्तान में होम कुक्स में सबसे अच्छा खाना कौन बनाता है. और उस जिम्मेदारी को का एहसास और उसके उसको निभा पाने की जो एक निभा पाने का जो हौसला है वो बड़ा डिफरेंट, और वो किसी भी टीवी शो से अलग है और नज़दीक नहीं आता उसको. लड्डू मीठा है, गेवर क्रस्टी भी है, बट एक टेक्सचर भी है हार्ड वाला, बट एक सॉफ्टनेस भी है, छोटा और स्टॉकी है. विकास इज लाइक अ जोधपुरी मिर्ची वड़ा, यू नो, बिकॉज व्हाट यू सी ऑन द आउटसाइड इज वेरी लिटिल एज कम्पेयर टू व्हाट्स एक्चुअली ऑन द इनसाइड. शेफ विनीत इज लाइक अ बिरयानी, इज लेजेंडरी, ही इज लेजेंडरी. वो समय लेके दम हुए हैं, यू नो, सो ही इज लदाक, ही इज लेजेंडरी. मेरा प्यारा जी बन गया है. मेरे लिए तो ही लगा शी कबाब, लंबा चौड़ा स्ट्रॉन्ग गस्टी फ्लेवरफुल. एग इज द फास्टेस्ट थिंग आई हैव फिगर्ड आउट ओवर द इयर्स. कि जो भी करते रहो आप, जितना तेज एग बनता है, या फिर अब तो क्या है, यू नो देयर आर सो मेनी प्लेसेस दैट यू कैन सोक दिस, आपका कुछ भी है, यू नो, यू कैन सोक ओट्स एंड एनीथिंग, चिया सीड्स, जस्ट कीप चिया सीड्स एंड जस्ट कीप देम इन द जार इन द फ्रिज
पहले तो घर की सफाइयां करवानी पड़ेंगी तो अकेला रहता हूँ, मैंने इतना गन डाला हुआ घर में, मैं क्या बताऊँ, पहले तो घर जाना पड़ेगा। ओह मेरे को एक सैंडविच, एक मसाला केचप और एक चाय।